हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट ने सोमवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISRO पर मौजूद अमेरिकी एस्ट्रोनॉट निक हेग से बात की। अपनी आने वाली फिल्म एड एस्ट्रा के प्रमोशन के लिए की गई इस कॉल में पिट ने भारत के चंद्रयान 2 में मौजूद विक्रम लैंडर पर भी सवाल किया। उन्होंने हेग से पूछा कि क्या उन्होंने चांद पर भारत के मून लैंडर की असफल लैंडिंग देखी। हेग ने इसके जवाब में कहा नहीं। ISRO में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही एड एस्ट्रा फिल्म दिखाई जा चुकी है। 20 मिनट की वीडियो कॉल के दौरान पिट ने हेग से पूछा कि उनके और जॉन क्लूनी के बीच तुलना की जाए तो उन्हें किसका अभिनय पसंद आया। इस पर एस्ट्रोनॉट ने हंसते हुए पिट को सर्वश्रेष्ठ बताया। क्लूनी ने 2013 की स्पेस फिल्म ग्रेविटी में काम किया था। इसके अलावा पिट ने हेग से ISRO में जीवन के बारे में पूछा। हेग ने पिट को बधाई देते हुए कहा कि उनका सेट बिल्कुल किसी अंतरिक्ष स्टेशन की तरह ही लग रहा था। बातचीत के अंत में पिट ने कहा कि मैं अपने बच्चों से इस कॉल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करूंगा। नासा कर चुका है चंद्रयान 2 मिशन की तारीफ। नासा ने विक्रम लैंडर के क्रैश होने के बाद ट्वीट कर चंद्रयान 2 की सराहना की थी। नासा ने कहा था, अंतरिक्ष कठिन है। हम इसरो के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 को उतारने के प्रयास की सराहना करते हैं। आपने हमें प्रेरित किया है और भविष्य में हम सौर मंडल का पता लगाने के लिए साथ काम करेंगे। दुनिया भर में तारीफ। इसरो के वैज्ञानिकों की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि विमान से 10 गुना तेज यान की 100 फीट लैंडिंग कभी आसान नहीं रही। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और ब्रिटिश अखबार BBC से लेकर द गार्जियन तक सभी ने चंद्रयान 2 को प्रमुखता से स्थान दिया और इसे अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन बताया।